एक ऐसा नेता जिसका वर्चस्व पूरे पूर्वांचल पर था, एक ऐसा नेता जिसके कहने से उत्तर प्रदेश में दिन होता था, जिसके कहने से उत्तर प्रदेश में रात होती थी, एक ऐसा नेता जिसकी वजह से पुलिस भी थर थर कांपती थी। आखिर वो नेता का नामो निशान आखिर में मिट जाता है, वो नेता सलाखों के पीछे पहुंच जाता है और अब उस नेता के बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता। उस नेता का नाम है अमर मणि त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। बात है 9 मई 2003 की। एक कवित्री जब उनके प्यार में पड़ी, उनका नाम हुआ, लेकिन बाद में अमर मणि त्रिपाठी उनको गोली मरवा देते हैं और उस कवित्री की मौत हो जाती है। इस कवित्री का नाम है मधुमती शुक्ला। 24 साल की थी ये जब इनको मौत के घाट उतार दिया गया था। उस वक्त मधुमती शुक्ला के और अमर मणि त्रिपाठी के किस्से बहुत फेमस हुआ करते थे। इनको हर कोई जानता था और अमर मणि त्रिपाठी अक्सर विवादों में घिरे नजर आते थे। इनके भी चर्चे कई महिलाओं के साथ रहते थे, इनके भी नाम कई महिलाओं के साथ जुड़ते थे। हालांकि उस वक्त ये शादीशुदा भी थे। इनकी बीवी का नाम था मधु मणि त्रिपाठी, वो भी इस वक्त जेल में है। तो अमर मणि त्रिपाठी का नाम उस वक्त काफी हुआ करता था, पूर्वांचल में उनका वर्चस्व होता था और कहा जाता था कि वो सपा से लड़े, बीजेपी से लड़े, बसपा से लड़े, उनका जीतना तय था। उनको वोट किसी पार्टी के लेबल पे नहीं मिलता था, बल्कि उनके नाम पे मिलता था। इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया जब उनका नाम और निशान पूरी तरह से खत्म हो गया और उनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। बता दूं मैं आपको कि अमर मणि त्रिपाठी और मधुमती शुक्ला जो एक कवित्री थी, उनका नाम साथ में जुड़ा करता था उस वक्त, और उनकी प्रेम कहानियों के किस्से ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में गूंजा करते थे। मधुमणि त्रिपाठी, उनकी बीवी, जो आज भी सलाखों के पीछे हैं। अगर मैं अमर मणि त्रिपाठी की बात करूं तो वो भी अब सलाखों के पीछे हैं। मधुमती शुक्ला एक कवित्री थी जो बेहद ही साधारण परिवार से आती थी। उनका कोई इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, बहुत ही सिंपल फैमिली से वो बिलोंग करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो जो है कविताएं करती थी और उनका नाम जब अमर मणि त्रिपाठी के साथ जुड़ा तो उनका यूपी में बोलबाला हो गया। कहते हैं उनका जब मन होता था तब वो कवि सम्मेलन करती थी, बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी पहुंच थी, उनका उठना बैठना था और उनको काफी सम्मान भी उत्तर प्रदेश में दिया जाता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब वो प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद अमर मणि त्रिपाठी के गुर्गों ने उनको मौत के घाट उतार दिया। वही जो तारीख मैंने शुरुआत में मेंशन की थी, 9 मई 2003 का वो वक्त था जब मधुमती शुक्ला को गोली मार दी गई थी। उस दिन मधुमती शुक्ला रोजाना जैसे हम अपने घर पे रहते हैं, आराम करते हैं, वही वो भी कर रही थी। उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि ऐसा कुछ उनके साथ होने वाला है। वो भी हमारी तरह ही घर पे बैठी हुई थी, अपनी छुट्टी एंजॉय कर रही थी। दो लोग आते हैं उनके घर पे, वो उनके जान पहचान के होते हैं और अमर मणि त्रिपाठी के काफ़ी खास लोग होते हैं। उनके साथ बैठते हैं और एक उनमें से एक आदमी जो है वो चाय बनाने जाता है मधुमती शुक्ला के लिए। वो दोनों चाय बनाकर रखते हैं। चाय वो पीने ही जा रही होती है कि उसी वक्त वो दोनों लोग अपनी बंदूक निकालते हैं और मधुमती शुक्ला को उनके बेडरूम में गोली मार देते हैं। उनकी मौत तुरंत ही हो जाती है, खून की छींटे इधर उधर मिलती हैं। पुलिस जांच करने आती है और कहा जाता है कि अमर मणि त्रिपाठी का उस वक्त इतना दबदबा था कि पुलिस भी जांच सही से नहीं कर रही थी। यहाँ तक कि CBCID ने भी उस वक्त सही से जांच नहीं कर रही थी क्योंकि इतना दबदबा माना जाता था, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। और उस वक्त सरकार मायावती की थी। कहा तो ये भी जाता है कि मायावती ने मधुमती शुक्ला के परिवार से कहा था कि आगे जांच CBI को या किसी अन्य जो है को जांच तब दी जाएगी जब उनका परिवार प्रदर्शन करेगा। मधुमती शुक्ला के परिवार को प्रदर्शन करना पड़ेगा और उनको मांग करनी पड़ेगी केंद्र सरकार से कि वो CBI का गठन करे और इस मामले की जांच करवाए। इस तरीके की कई कहानियां उनके मर्डर को लेकर आती हैं, लेकिन मधुमती शुक्ला की जांच के लिए फिर CBCID कुछ भी नहीं कर पाती है। फिर CBI का गठन किया जाता है। CBI मामले की जांच सिलसिलेवार तरीके से करती है, जिसमें अमर मणि त्रिपाठी,
उनकी बीवी मधुमनी त्रिपाठी को दोषी करार दिया जाता है और उनको देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट आजीवन कारावास की सजा सुना देती है। कहा जाता है कि उनके बेटे की भी कहानियां कुछ ऐसी ही हैं। उनका बेटा अमन मणि त्रिपाठी, उसकी शादी अभी कुछ वक्त पहले ही हुई थी। वो अपनी बीवी के साथ कहीं घूमने जा रहा था और अचानक से दोनों का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें अमन मणि त्रिपाठी को मामूली सी ही खरोची आई, लेकिन उनकी बीवी की मौत हो गई। इतनी ज्यादा गंभीर चोटी थी। तो कई लोग इस पर भी सवाल उठाते हैं कि क्या अमन मणि त्रिपाठी अपने ही पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, क्या उन्होंने भी अपनी बीवी को जानबूझकर मौत के घाट उतार दिया। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के इस कांड पर एक वेब सीरीज भी बनी है जो डिस्कवरी प्लस इंडिया पर है, और डिस्कवरी प्लस इंडिया ऐसा दावा करता है कि ये डॉक्यूमेंट्री जो है ये बिल्कुल जो कुछ भी उस वक्त घटा उसी पर आधारित है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है, आप चाहें तो उसको डिस्कवरी प्लस इंडिया पर देख सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है सेक्स पॉलिटिक्स मर्डर अ लव स्टोरी। आप चाहें तो इसको जाकर डिस्कवरी प्लस इंडिया पर देख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री सच्चाई पर आधारित है, ऐसा दावा डिस्कवरी प्लस इंडिया की तरफ से किया जाता है। तो ये एक ऐसे नेता थे उत्तर प्रदेश के, अमर मणि त्रिपाठी, जिनका वर्चस्व था। 2007 में इन्होंने जेल के अंदर से चुनाव लड़ा था, जेल के अंदर से भी ये चुनाव जीत गए थे, लेकिन उसके बाद से कहा जाता है कि इन्होंने चुनाव लड़ना बंद कर दिया और इनकी जगह पर अब इनका बेटा अमन मणि त्रिपाठी चुनाव लड़ता है और वो जीतता भी है। अमर मणि त्रिपाठी तो अभी भी जेल में है, साथ ही उनकी बीवी भी जेल में है, लेकिन आप इस स्टोरी को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये स्टोरी कोई भी साधारण स्टोरी नहीं है। मधुमति शुक्ला की जब मौत हुई थी तो इसने ना सिर्फ प्रदेश को बल्कि पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। तो ऐसी और भी पॉलिटिकल स्टोरीज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप अगर कुछ सुनना चाहते हैं तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए सत्योदय मीडिया।